उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस सतर्क है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया है कि धर्मगुरुओं से बातचीत करके अराजक तत्वों से निमटने के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे प्रदेश में 159 कंपनियां पीएसी उपलब्ध कराई गई है और उसके अलावा जिला फोर्स को ड्यूटी पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी के साथ अफवाह फैलाने वालों पर भी निगाह रखी जा रही है। कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था में जो भी बाधा डालेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन पर मौजूद है हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव सिंह। संजीव, जुमे की नमाज के दौरान जाहिर तौर पर हमेशा से इतिहास गवा रहा है कि इस तरह के अराजक तत्वों द्वारा हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है और अब ऐसे में जबकि उदयपुर की घटना हमारे सामने है, जाहिर तौर पर वक्त बेहद संवेदनशील चल रहा है, किस तरह के सुरक्षा इंतजाम आप उत्तर प्रदेश में देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि आज जुमे की नमाज जो है बस अदा होने वाली है। इसके अलावा जिस तरह से उदयपुर में जो घटना हुई उसके बाद जो है पूरी तरीके से जो पुलिस प्रशासन है वो सतर्क है, लगातार गश्त कर रही है और जितनी भी संवेदनशील स्थान है वहां पर जो है भारी पुलिस फोर्स, इसके अलावा जो है कुछ जगहों पर पीएससी और अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है और इसकी मॉनिटरिंग जो है डीजीपी मुख्यालय से लगातार किया जा रहा है। जहां पर भी किसी भी तरह की कोई भी अगर अफवाह भी आ रही है तो को भी काफी गंभीरता से जो है पुलिस प्रशासन की ओर से लिया कि ये हिदायत भी दी गई है कि अगर कोई भी इस तरह का उपद्रव करता है या फिर कोई धरना प्रदर्शन करता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये कह सकते हैं जो क्राइम ब्रांच है वो जो है सोशल मीडिया यानी कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर ट्विटर है, इंस्टाग्राम समेत फेसबुक समेत अन्य जितने भी सोशल मीडिया है उन पर भी जो है पुलिस प्रशासन ने निगाहें बना रखी है और ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पिछले अगर शुक्रवार की बात की जाए तो काफी शांतिपूर्वक जो है जुम्मे की नमाज रहा, कहीं से भी उत्तर प्रदेश में कोई भी अप्रिय वारदात नहीं, कोई भी उपद्रव हुआ तो ये माना जा रहा है कि इस बार भी जो की नमाज है या फिर जिस तरह से उदयपुर की जो घटना हुई उसके बाद से शांति है कहा जा सकता है कि शांति बनी रहेगी क्योंकि भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, सभी संवेदनशील स्थानों पर भी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है जो हैं उन पर भी पुलिस की पैनी निगाह है। जी, तो अति संवेदनशील इलाके हैं, किस तरह की व्यवस्था देख पा रहे हैं आप, किस तरह की सुरक्षा प्रशासन की ओर से की गई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कि पहले जो है जो से इस तरह की घटनाएं हुई थी वहां पर जो है जो संवेदनशील स्थान है वहां पर इसके अलावा अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो अन्य जिले हैं जहां पर पूर्व में घटनाएं हो चुकी हैं जैसे कि कानपुर की बात कर सकते हैं, प्रयागराज की यहां पर जो है घटना हुई थी उसको देख पर काफी पुलिस फोर्स को भी लगाया गया है, लगातार जो है पुलिस गश्त भी कर रही है। इसके अलावा जो लोग हैं पीस कमेटी के जो लोग हैं उनसे भी लगातार संपर्क में है और ये कहा गया है कि अपनी बात रखना है तो शांतिपूर्वक ढंग से जो है वो अपनी बात को रख सकता है, कहीं पर भी कोई भी अगर उपद्रव होता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या मुस्लिम धर्म गुरुओं की ओर से किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, मुस्लिम धर्म गुरुओं की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो शांतिपूर्वक जाएं, अपने जुम्मे की नमाज को अदा करें और अपने घर को वापस जाएं और ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो है त्यौहार भी है, इसके मद्देनजर जो है पुलिस प्रशासन जो है काफी सतर्क है, डीजीपी मुख्यालय की ओर से लगातार जो है निगाह भी रखी गई है और गुरुओं से लगातार जो है जिले के जो या फिर जो अधिकारी हैं यानी कि जो जिला अधिकारी हैं वो भी उनके संपर्क में हैं और ये हिदायत भी दी गई है और जो लोग हैं अपील की गई है कि वो किसी प्रकार का कोई भी उपद्रव ना करें, शांतिपूर्वक से जो है जुम्मे की नमाज को अदा करें। जी, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।